समस्त संसार के गुरु भगवान कृष्ण को हम वंदन करते हैं। श्रेष्ठ पुत्र, आज्ञाकारी भाई, उत्तम सखा और जीवन के लिए परम मार्गदर्शक गीता का ज्ञान देने वाले जगत गुरु श्री कृष्ण के इन रूपों के बारे में हम बखूबी जानते हैं, लेकिन आज हम सुनाने वाले हैं उनकी एक अनोखी कहानी। गुजरात की द्वारिका के दूल्हे और अरुणाचल के इंदु मिश्री राजघराने की राजकुमारी द्वापर युग की कहानी। कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजकुमारी रुक्मिणी ने ठान लिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ श्री कृष्ण से, लेकिन उनका भाई रुक्मी तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करवाने की जिद पकड़ कर बैठा था। तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपनी इच्छा उन तक पहुंचाई। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण ने उनके प्रेम का स्वीकार किया, माधवपुर आकर उनसे विवाह किया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के इस विवाह ने हजारों किलोमीटर के अंतर के बावजूद गुजरात और पूर्वोत्तर प्रदेश को एक अटूट संबंध में जोड़ दिया। माना जाता है कि गुजरात के माधवपुर खेल के माधव राय जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ था। इस मंदिर का स्कंद पुराण के प्रहलादोक्त अध्याय में और माधवपुर के महाभारत के शैल्य पर्व में उल्लेख है, और आज भी उनके इस विवाह के अवसर को उत्सव की तरह मनाया जाता है। माधवपुर खेल मेला 2023। वैसे तो सालों से संस्कार, संस्कृति और परंपराओं के साथ होता है ये उत्सव, पर इस बार का यह मेला है कुछ खास, जिसमें हिस्सा लेंगे देश के गुजरात समेत 9 राज्यों के लोग एवं विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के मंत्रीगण। यहाँ विविध राज्यों के लोक नृत्य, लोकगीत, संगीत के साथ होंगे मन मोहने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम। साथ ही देखने को मिलेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को प्रदर्शित करता हुआ गुजरात और पूर्वोत्तर प्रदेश की कला का एक अनोखा प्रदर्शन। यहाँ विविध राज्यों के पारंपरिक और प्रादेशिक व्यंजनों का अनोखा संगम तो होगा ही, साथ में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में श्रेष्ठ ऐसे अनेक विध जैविक भोजन का लुत्फ भी होगा। यहाँ युवाओं के लिए बीच वॉलीबॉल, बीच फुटबॉल, बीच रन, कोकोनट थ्रो और बीच हैंडबॉल जैसे विविध बीच स्पोर्ट्स का आकर्षण भी होगा। साथ ही कला प्रेमियों के लिए होंगे श्री कृष्ण और रुक्मिणी थीम पर आधारित रेत शिल्प भी। नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी बनेंगे इस उत्सव के खास मेहमान। द्वारिका और बेट द्वारिका के साथ गुजरात के सभी कृष्ण मंदिर सज धज कर मनाएंगे श्री कृष्ण रुक्मिणी की शादी का उत्सव। स्थानीय रस्मों के साथ विवाह और शोभा यात्रा से माधवपुर रंग जाएगा श्री कृष्ण के रंग में, और द्वारिका नगरी भी बनेगी इस उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा, जहां भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की निकलेगी बारात। स्थानीय रीति रिवाजों के साथ होगा उनका भव्य स्वागत। द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिका और बेट द्वारिका रोशनी और सजावट से सजेंगे। मल्टीमीडिया शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और द्वारिका के लोग रुक्मिणी जी के साथ पूर्वोत्तर से आए कलाकियों का करेंगे भव्य स्वागत। तो चलिए धूमधाम से मनाते हैं श्री कृष्ण और रुक्मिणी का ये विवाह उत्सव। माधवपुर खेल मेला 2023, कृष्ण रुक्मिणी विवाह का हर्षोत्सव।